सेम थिंग। मैं झूठ नहीं कहूंगा राजदीप, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको डिनाई करता था, लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं, क्योंकि एक अल्लाह की आवाज है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है, अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हमारा एक सूरह मौईदा है वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ता हूं कुरान की मैं अपने बच्चों को समझा सकूं, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को मुसलमान को नहीं हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं, अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं दुख पहुंचाते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है, उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं जो हो सकती है, औरत बच्चा जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। तो ये जो इस्लाम है हमारी आई थिंक अल्लाह की आवाज है, अल्लाह की जुबानी है। और दूसरा जो इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के एंटी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की जुबानी है। और मुझे ये मैं ये एक्चुअली सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, प्लीज अगर आप किसी तरह से जो जवान हमारी पीढ़ी है उनको हमारी किताबों का सही मायना समझा सकें, क्योंकि किसी भी किताब में, चाहे गीता है या कुरान है या बाइबल है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत या हेवन या अच्छी जगह पर या खुदा अच्छी तरह से रखेंगे।